हेलो एवरीवन आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ द डून स्कूल के बारे में देहरादून का सबसे फेमस स्कूल है द डून स्कूल वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ इंडिया द डून स्कूल इज अ बॉयज ओनली इंडिपेंडेंट बोर्डिंग स्कूल इन इंडिया it was founded by uh, satish ranjan das uh, he was a kolkata based lawyer and it was his ambition and vision to make a school like british public school in india and the first headmaster was englishman uh, arthur e foot and the current uh, headmaster is matthew reggett this is the main building of the school the red brick building and they have a very huge campus 72 acres ka campus friends and they have five main houses कश्मीर हैदराबाद जयपुर टाटा एंड ओप्रॉय ये वहाँ पे uh, 1935 टू 36 का फर्स्ट बैच है जो वहाँ से पढ़कर पास आउट हुआ था बहुत ही ह्यूज एक पिक वहाँ पे लगी हुई है और uh, ये स्कूल की मेन बिल्डिंग है फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से यू you नो know, आप uh, एंटर करेंगे मेन बिल्डिंग में स्कूल बिल्डिंग में जहाँ पे बच्चों को डेली पढ़ने के लिए जाना होता है एंड दीज आर द ग्रैंड स्टेयर ऑफ द मेन बिल्डिंग मेन स्कूल बिल्डिंग और यहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं ये बॉयज़ ओनली स्कूल है जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी और यहाँ पे आप सिक्स स्टैंडर्ड से अपने बच्चों को भेज सकते हैं सिंस सिक्स टू ट्वेल्थ एंड दीज आर द ब्यूटिफुल कॉरिडोर्स ऑफ द स्कूल दिस इज द रेसिडेंस ऑफ द प्रिंसिपल इन द कैंपस सारा स्टाफ वहीं कैंपस में ही रहता है दे डोंट गो आउटसाइड एंड एज़ यू कैन सी पूरे कैंपस में आपको इस तरीके के स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे जो वहीं के स्टूडेंट्स ने बनाए हैं और पूरा कैंपस जो है ग्रीन है बहुत ही नीटली मेंटेन है वेल well मेंटेन्ड है मस्ट से बहुत ही सफाई का ध्यान रखा गया है ताकि स्टूडेंट्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले ओपन हेल्थी इन्वायरमेंट मिले पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं पिक्स में और एक फ्रेंड के थ्रू मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं अंदर की कुछ पिक्स क्लिक करके ला सकूँ ताकि आप सब लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि ये पिक्स आपको गूगल पे देखने को नहीं मिलेंगे और ये वहाँ की आर्ट गैलरी है फ्रेंड्स और यहाँ पे सभी जितनी भी पेंटिंग्स इस वक्त आप देख रहे हैं ये वहीं के स्टूडेंट्स ने बनाई हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं आई मस्ट से और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर और ये वहाँ का यू नो ग्राउंड है ये भी थर्टी टू एकर्स में है फ्रेंड मैं सारा कवर नहीं कर पाई एक दिन में और आ, सारी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट दी जाती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को स्पोर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती है वहाँ पे आ, ये एक छोटा सा पेंट्री एरिया है जहाँ पे शाम के टाइम स्टूडेंट्स आके यू नो सैंडविच मैगी और दूध बिस्किट्स कुछ इस तरीके से ले सकते हैं अपने लिए कुछ बना सकते हैं यहाँ पे और बाकी उनको ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए मेन डाइनिंग हॉल में जाना पड़ता है यहाँ पे यू नो कभी बच्चों को भूख लग गई और दे वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देयर फ्रेंड्स तो वो यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं दिस इज़ द बेडरूम ये बच्चों का है वहाँ पे मेन आप देखेंगे हर कमरे में तीन या पाँच बेड होते हैं तो वो उस तरीके से हर रूम में थ्री टू फाइव स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करते हैं दिस इज द लॉन्ड्री सेक्शन ऑफ द स्कूल जहाँ पे नेम एंड सेक्शन के हिसाब से लॉन्ड्री उनको रेडी मिलती है दे कैन कम एंड पिक देयर क्लोथ्स फ्रॉम देयर ओनली और ये छोटा सा वही मैंने आपको जो बताया पैंट्री एरिया है यहाँ पे आप सैंडविच मैगी वगैरह सब बना सकते हैं और फ्रेंड्स दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये क्लासरूम के अंदर का पिक है जो मैं एक ही पिक ले पाई और आप देख सकते हैं प्रॉपर सनलाइट है प्रॉपर वेंटिलेशन है जिससे कि यू you नो know, बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले पढ़ाई के लिए एंड दिस इज़ द लाइब्रेरी दिस इज़ द प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगा इतना ह्यूज लाइब्रेरी है फुल ऑफ बुक्स यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी बुक्स यहाँ पे हैं और मुझे लगा कि मैं आज काश पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकती मैं बुक्स पढ़ सकती बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स लेकिन मुझे वो चांस नहीं मिला और मुझे आना था वापस <laughs> लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख सकते हैं आप हर जगह कॉरिडोर में इस तरीके से ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी हुई हैं दिस इज़ द एम्फ़ी थिएटर और ये एम्फी थिएटर नोन एज रोज़ बॉल एंड दे होस्ट शेक्सपियर प्लेज एंड क्लासिक्स ऑफ वेस्टर्न थिएटर एज वेल एज म्यूजिकल परफॉर्मेंस And speeches as well. And they have a multi purpose hall which can accommodate 2000 people at one time. And they have a music library and a concert hall as well.

एंड अब स्टूडेंट्स को अलाउड है लैपटॉप यूज करना बट ओपन कैंपस में ये अपने रूम्स में ये नहीं यूज कर सकते हैं एंड दे हैव अ हॉस्पिटल इन द कैंपस ऑल्सो एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द इन फो यू कैन गूगल ओके बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग